प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और चुनाव प्रचार में जहां प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वहीं उनके परिजन भी इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को उतारने के साथ ही पूरे प्रदेश में स्टार प्रचारक की भूमिका भी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के प्रदेश में प्रचार पर निकलने के बाद सुजानपुर क्षेत्र में प्रचार की पूरी जिम्मेदारी उनके छोटे पुत्र अरुण धूमल देख रहे हैं और हर दिन 8 से 9 नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार व अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के प्रचार में लगे अरुण धूमल ने लोहरी, रोपा, कंगरी, ख्या, अम्बेड़ा आदि क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर चुनावी प्रचार को गति प्रदान की। इस दौरान उनके साथ सुजानपुर के मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत ठाकुर भी मौजूद रहे। सभाओं के दौरान अरुण धूमल ने जहां प्रदेश सरकार की नीतियों पर हमला किया, तो वहीं भाजपा की केंद्र सरकार की जनहित की नीतियों को वोट देने का आह्वान किया। प्रचार के दौरान मिल रहे रिस्पांस पर अरुण धूमल ने कहा कि जनता इस बार भाजपा के पक्ष में ही दिख रही है और सुजानपुर के लोग इस बार विधायक के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के लिए वोट देने का मन बना चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त उत्साह प्रदेश इसके क्षेत्र की जनता में देखा जा रहा है। आपने भी देखा होगा, इस बार सुजानपुर की जनता ने तय किया है कि इस बार उनके पास मौका आया कि वो अपना जो वोट है किसी विधायक के लिए, मुख्यमंत्री के लिए देने वाले हैं। तो इसीलिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। जहाँ जहाँ हम गए हैं, एक ज़बरदस्त जन समर्थन आदरणीय धूमल जी के पक्ष में देखने को मिला है और बमसन की सुजानपुर की जनता ने संकल्प लिया है कि बमसन की जनता ने जो रिकॉर्ड बनाया था, इस बार सुजानपुर की जनता वो तोड़ेगी। सुजानपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा धूमल की कम उपस्थिति का प्रचार करने पर अरुण धूमल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल प्रदेश में सबसे ज्यादा आसानी से मिलने वाले नेताओं में शुमार हैं। देखिए, धूमल जी की पूरे प्रदेश में ये छवि है कि वो सबसे एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो साल के 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, इसीलिए जो जनता का आशीर्वाद और समर्थन उनको पूरे प्रदेश में मिलता है। ये बचकाना बयान है कि धूमल जी 10 साल बाद आते हैं, प्रदेश की जनता जानती है, इस क्षेत्र की जनता जानती है कि सबसे एक्सेसिबल अगर उनके लिए कोई है जो उनके दुख दर्द में हर समय मौजूद रहता है, तो उनका नाम प्रेम कुमार धूमल है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जिला में अब कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी है, इसीलिए हर साल भाजपा से कांग्रेस में शामिल नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नेता 2-3 चुनाव लड़ने के बाद फिर पार्टी का रुख करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमीरपुर जिला में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जब जब चुनाव आता है तो बाय डिफॉल्ट थोड़े दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को ले जाते हैं, वो थोड़ी देर 1-2 चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापस आ जाते हैं। तो उनका भी अभी ये दौर चल रहा है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा राजा जी बेल से जेल में शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी वापस आ जाएंगे। भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे पर अरुण धूमल ने कहा कि चुनाव में जीतने वाले विधायक ही मंत्री या मुख्यमंत्री होता है और प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में प्रेम कुमार धूमल ही चुनाव मैदान में है, जो स्पष्ट संकेत है कि वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बेहुदा प्रचार हमें देखने को मिल रहा है। 2 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केवल मात्र 1 सीनियर लीडर है जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको जैसे पता है, मुख्यमंत्री तो कोई विधायक ही बनता है, और धूमल जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। उनका जो छवि है और जो उनकी पकड़ पूरे प्रदेश में है, मैं निश्चित मानता हूं कि वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री होंगे, और मैं ये भी मानता हूं कि जल्दी उसकी घोषणा भी हो जाएगी।